सो गाइस, हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टमक अंडर द फॉलोइंग। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चर फॉर्मिंग स्टमक बेड। नेक्स्ट है हमारा ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, हिस्टोलॉजी एंड अप्लाइड इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है स्टमक, तो उसमें हम लिखेंगे ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर। नेक्स्ट है स्टमक इज अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग वाइडेस्ट एंड डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। नेक्स्ट हमें लिखना है एक्सटर्नल फीचर में हमें एक डायग्राम ऐड करनी है। तो ये है स्टमक की डायग्राम, इसमें हमें डिनोट करना है इसोफेगस, ये है कार्डियक नॉच, ये है फुंडस, ये है बॉडी, ग्रेटर कर्वेचर, एंगुलर नॉच, ये है एंगुलर नॉच, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक एंड, पाइलोरस, सल्कस इंटरमीडियलिस। ये जो है वो है सल्कस इंटरमीडियलिस, लेजर लेसर कर्वेचर एंड कार्डियक एंड। तो ये होगा मेरी डायग्राम एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्टमक की। है रिलेशन ऑफ स्टमक, तो रिलेशन ऑफ स्टमक में हम लिखना है विसरल रिलेशन। तो उसमें आता है एंटीरियर सर्फेस, तो एंटीरियर सर्फेस के रिलेशन में है लीवर, डायफ्राम, ट्रांसवर्स कोलन, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। उसमें हमें लिखना है, उसमें एक और पॉइंट हमें ऐड करना है, डायफ्राम सेपरेट द स्टमक फ्रॉम द लेफ्ट फ्लोरा पेरिकार्डियम एंड 6th to 9th रिब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्टल कार्टिलेज सेपरेट फ्रॉम द स्टमक बाय ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। एक्सटर्नल फीचर्स में हमें एक डायग्राम ऐड करनी है, तो इसमें हमें डिनोट करना है डायफ्राम, गैस्ट्रिक फ्रेनिक लिगामेंट, स्प्लीन, ये है गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट, ये है स्टमक, ग्रेटर ओमेंटम एंड लेसर ओमेंटम। तो यह डायग्राम है एंटीरियर व्यू ऑफ पेरिटोनियल फोल्ड अटैच टू ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। तो ये है पेरिटोनियम्स, ग्रेटर ओमेंटम एंड लेसर ओमेंटम। ये डायग्राम हमें जो है वो है ऐड करनी है रिलेशन ऑफ स्टमक में। नेक्स्ट हमें लिखना है रिलेशन टू स्टमक बेड। तो दी स्ट्रक्चर्स आर, तो स्टमक स्टमक बेड में क्या क्या आता है, डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ट्रांसवर्स, मीजोकोलॉन, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन, स्प्लीनिक आर्टरी, ऑल ऑफ विच आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टमक बाय लेसर सैक। तो ये है स्टमक बेड, तो इसमें हमें एक डायग्राम ऐड करनी है स्टमक बेड के लिए। यहाँ पे हमें डायग्राम ऐड कर देनी है ये वाली, तो इसमें हम डिनोट करेंगे आउटलाइन ऑफ द स्टमक, ये वाली एरिया रिलेटेड टू डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, स्प्लीनिक आर्टरी, ये वाली, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, ये जो है वो है ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, ये वाली हमारी ट्रांसवर्स कोलॉन। नेक्स्ट है पैनक्रियास, ये वाली पैनक्रियास, सीलिएक ट्रंक एंड लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड, जो कि है ये वाली लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड। ये है हमारे डायग्राम स्टमक बेड की। लिम्फेटिक ड्रेनेज में हम लिखेंगे स्टमक कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 लिम्फेटिक टेरेटरीज, जो कि हमने डायग्राम में दिखा दी है। ए ड्रेन्स इंटू पैनक्रियाटिक स्प्लीनिक लोड, लिम्फेटिक वेसल्स फ्रॉम दिस नोड्स ट्रेवल्स अलॉन्ग द स्प्लीनिक आर्टरी। ये भी हमने डायग्राम में डिस्क्राइब किया है। एरिया बी लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड अलॉन्ग द सेम आर्टरी ऑल्सो ड्रेन एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस। ओके, नेक्स्ट है हमारा एरिया सी। एरिया सी ड्रेन्स इन अ वे राइट गैस्ट्रिक पिप्लोइक आर्टरी टू सब पाइलोरिक नोड्स, सब पाइलोरिक नोड्स टू हेपेटिक नोड्स, देन इट्स पास टू सीलियक नोड्स, देन इट्स पा अरे यार किधर से आ जाते भाई। नेक्स्ट आता है हमारा एरिया सी, जो कि ड्रेन्स इन अ वे। तो सबसे पहले आता है राइट गैस्ट्रोपिप्लोइक नोड्स, नेक्स्ट है हमारा सब पाइलोरिक नोड्स, नेक्स्ट हमें लिखना है ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक। तो उसमें हमें लिखना है ये डिनोट कर देना है हमें। तो ये जो है सबसे पहला है वो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो ये जो है वो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ये वाली, स्प्लीनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक एपिग्लोटिक आर्टरी, यह है राइट गैस्ट्रो एपिग्लोटिक आर्टरी, यह है सुप्रा पैनक्रियाटो ड्यूनल आर्टरी, गैस्ट्रो ड्यूनल आर्टरी, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी ये वाली। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी से सबसे पहले एक ब्रांच निकलती है, वो है गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी, और उससे एक ब्रांच निकलती है हमारी, वो है राइट गैस्ट्रो एपिग्लोटिक आर्टरी। ओके, तो यह है हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी ये वाली, और यह है सिलियाक ट्रंक। तो ये हो गया हमारा आर्टरियल सप्लाई ऑफ स्टमक।
ब्लड सप्लाई में वेनस ड्रेनेज भी लिखना होता है, तो वेनस ड्रेनेज में हमें ये डायग्राम ऐड कर देने हैं, जहाँ पे ये जो है वो है इसोफेजियल वेन, ये वाली हेमियाजाइगस वेन यहाँ से ड्रेन करती है, राइट गैस्ट्रिक वेन, ये है राइट गैस्ट्रिक वेन, ये है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ये है पोर्टल वेन, ये वाली पोर्टल वेन, सुपेरियर मेसेंट्रिक, ये है स्प्लीनिक, यहाँ पे जाती है स्प्लीनिक, और ये लेफ्ट गैस्ट्रोहिप्लोइक, ये है राइट गैस्ट्रोहिप्लोइक, शॉर्टर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेंस, तो और ये है इंफेरियर मेसेंट्रिक वेंस जो कि स्प्लीनिक वेन को जाकर ज्वाइन करती है। तो ये हो गया हमारा वेनस ड्रेनेज ऑफ स्टमक। नेक्स्ट हमें लिखना है लिम्फैटिक ड्रेनेज, तो लिम्फैटिक ड्रेनेज में हमें ये डायग्राम ऐड कर देने हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम देखेंगे पैनक्रियाटिक स्प्लेनिक लोड यहाँ पे है, जो कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से ड्रेन करता है, ये है राइट इपी गैस्ट्रो इपिप्लोइक नोड, जो कि ड्रेन करता है लोअर साइड ऑफ ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से, और पास करता है सब पाइलोरिक नोड्स को, सब पाइलोरिक नोड्स ड्रेन करते हैं पाइलोरस से, और पास करते हैं हेपेटिक नोड्स को और सीलियाक नोड्स को, और ये है हमारे गैस्ट्रिक नोड्स जो कि ड्रेन करता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से और इसोफेजियल ब्रांचेस से, ओके, और ये बाद में ड्रेन हो जाता है सीलियाक नोड्स में, और ये जो है हमारा पैनक्रियाटिक स्प्लीनिक नोड वो अल्टीमेटली ड्रेन होता है सीलियाक नोड में थ्रू स्प्लीनिक आर्टरी। तो ये होगा हमारा लिम्फैटिक ड्रेनेज। इसमें देखेंगे हम लिम्फैटिक ड्रेनेज में हम लिखेंगे स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर लिम्फैटिक टेरिटरीज, जो कि हमने डायग्राम में दिखा दी है। ए ड्रेन्स इनटू पैनक्रियाटिक स्प्लीनिक लोड, लिम्फैटिक वेसल्स फ्रॉम दिस नोड्स ट्रैवल्स अलॉन्ग द स्प्लीनिक आर्टरी, ये भी हमने डायग्राम में डिस्क्राइब किया है। एरिया बी लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड अलॉन्ग द सेम आर्टरी ऑल्सो ड्रेन एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस, ओके। नेक्स्ट है हमारा एरिया, नेक्स्ट आता है हमारा एरिया सी, ड्रेन्स इन अ वे राइट गैस्ट्रिक नोड्स नेक्स्ट पास टू सब इट्स ड्रेन्स इन टू सब पाइलोरिक नोड्स देन हेपेटिक नोड्स देन सीलियाक नोड्स इंटरस्टिशियल लिम्फ नोड एंड देयर सिस्टर्ना काइली, ओके। तो ये होगा हमारा एरिया सी, एंड पाइलोरिक पार्ट्स ड्रेन इनटू डिफरेंट डायरेक्शन पाइलोरिक हेपेटिक सॉरी पाइलोरिक हेपेटिक लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। तो ये होगा हमारा लिम्फैटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक। नेक्स्ट हमें लिखना है हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक, तो इसमें हम एक डायग्राम ऐड कर देंगे, ये है कॉलमनार एपिथेलियम, ये है लैमिना प्रोप्रिया ऑक्सिनेटिक सेल्स ये वाले, ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये वाली, मस्कुलरिस म्यूकोजा सब म्यूकोजा एंड मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो ये हो गया मेरा हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक, ओके। तो लास्ट में हम लिखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी, तो सबसे पहले आता है गैस्ट्रिक पेन फेल्ट इन एपिगैस्ट्रियम बिकॉज द स्टमक इज सप्लाई बाय सेगमेंट T6 to T9 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विच इज ऑल्सो सप्लाई अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल, ओके। तो गैस्ट्रिक पेन जो कि होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है क्योंकि सेम नर्व सप्लाई, ओके। नेक्स्ट हम लिखेंगे पेन ड्यू टू मसल्स स्पाज्म और ओवर डिस्टेंशन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेप्टिक अल्सर ऑकर्स इन द साइट ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेमली स्टमक फर्स्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल लोअर पार्ट ऑफ ओसोफागस मेकल्स डायवर्टिकुलम इट इज कॉमन इन ओ ग्रुप सॉरी इट इज कॉमन इन ब्लड ग्रुप ओ। तो ये होगा हमारा पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट हम लिखेंगे गैस्ट्रिक अल्सर्स इट इज टिपिकली अलॉन्ग द लेजर कर्वेचर ड्यू टू फॉलोइंग प्यूकुलाइटिस ऑफ लेजर कर्वेचर, तो कौन सी प्यूकुलाइटिस है, इट इज होमोलॉगस विद गैस्ट्रिक थ्रू द रूमिनेंट्स। नेक्स्ट है म्यूकोसा इज फ्रीली सॉरी म्यूकोसा इज नॉट फ्रीली ओवर द मसल कोट देन इपिथेलियम इज सेपरेटली थिन ब्लड सप्लाई इज लेजर एबंडेंट एंड दीज आर लेजर एनास्टोमोस नर्व सप्लाई इज मोर एबंडेंट इन लार्ज गैंग्लिया एंड पाइलोरिक इन्फेक्शन। तो ये हो गया मेरा गैस्ट्रिक अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर में हमें एक और पॉइंट ऐड करना है कर देना है रेजिस्टेंस टू हीलिंग प्रोसेस एंड परसिस्ट फॉर ईयर टुगेदर कॉजिंग ग्रेट डिग्री ऑफ मॉर्बिडिटी टू प्रोमोट हीलिंग द इरिगेटिंग इफेक्ट ऑफ स्टेल कैन बी मिनिमाइज बाय एंटासिड्स और पार्शियल गैस्ट्रिक्टोमी और वैगोक्टोमी। तो ये हो गया हमारा गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कॉमनली ऑकरिंग अलॉन्ग द ग्रेटर कर्वेचर
उसके बाद हम लिखेंगे पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन कंजेनाइटल और एक्वाइड विजिबल पेरिस्टाइसिस इन एपिगास्ट्रिक वोमिटिंग आफ्टर मील्स। तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्टमक।